নদিয়ার খবরে নজর রাখব। নদিয়ার কল্যাণীতে চলল গুলি। অজয় মাহাতো নামে 30 বছরের এক যুবক গুলিবিদ্ধ, তার বাড়ি কল্যাণী থানা এলাকার চরজাজিরা গ্রামে। গতকাল রাত 9:30 নাগাদ স্কুটারে চেপে যাচ্ছিলেন দুই যুবক। অজয় বসেছিলেন পিছনে এবং চালকের আসনে ছিলেন বিশ্বজিৎ মাহাতো নামে অপর যুবক। অভিযোগ, কল্যাণী সীমান্ত এলাকার পিছন থেকে স্কুটার লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুলি অজয়ের পিঠে লেগে স্কুটার চালকের বুকের বাঁদিক ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ যুবক কল্যাণী JNM হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পুরনো শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি কল্যাণী থানার পুলিশ। দুর্নীতি ইস্যুতে বিরোধীদের আক্রমণ নরেন্দ্র মোদী। আগে বলতো রাঘব বোয়ালদের ছেড়ে চুনো পুটিদের ধরছে, এখন বলছে রাঘব বোয়ালদের কেন ধরা হচ্ছে। ইডি CBI এর কাজের তো প্রশংসা করা উচিত। ক্যামেরার সামনে নোটের পাহাড় দেখা যাচ্ছে, সেটাকে কি করে অস্বীকার করবেন? ABP আনন্দে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে বললেন প্রধানমন্ত্রী। এনি পলিটিক্যাল পার্টি, এনি আইডিওলজি কিতনা হি বড়া কিউ না হো, কিতনা হি, লেকিন আমারে দেশ মে হাম কিয়া সুনতে থে পিছলে 20 সাল কে সব কুছ ভি হো, ये छोटे छोटे बेचारों को छोटी मछलियां फंसा देते हैं, छोटी मछलियां, मगरमच्छ तो छूट जाते हैं। अब मैं हैरान हूँ जी, मेरे देश में पूछा जा रहा है कि आप मगरमच्छ को हाथ क्यों लगाते हो। इस देश 30 साल से ये पूछ रहा था कि मछलियों को पकड़ रहे हो, मगरमच्छ क्यों हाथ नहीं लगाते हो। तो एक्चुअली तो अगर ईडी या CBI ये काम करता है तो उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। अगर आपके गाँव में भी 5 साल पुराना कोई केस सॉल्व नहीं होता हो, लेकिन कोई एक अफसर आकर के कर देता है तो पूरा गांव उसको सम्मानित करता है। क्यों? कि भाई उसने सही काम किया। और दूसरा, इसमें कागजी में हो सकता है आप कोर्ट में विधा विवाद करोगे, कैमरा के सामने नोटों के पहाड़ दिख रहे हैं, भाई इसको मना कैसे कर सकते हो। 2004 से 2014 तक 34 लाख रुपया यानी स्कूल बैग में आ जाए, 34 लाख रुपीज ईडी ने जब्त किए थे। ठीक है, 2014 से 24 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया, 70 टेम्पो लगेंगे उठा के ले जाने में। अब ये देश देख रहा है, आप गाली फिर नहीं दे सकते जी, आप किसी भी हालत में गाली नहीं दे सकते हो कि गलत हुआ है। अब ये बड़े बड़े लोग अंदर है, कौन होगा कौन नहीं होगा न मुझे पता है, न मेरी सिस्टम को पता है, कागजों को पता होगा, फाइलों को पता होगा कि कौन कहाँ है। लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। मुझे पता नहीं किसका लगेगा, लेकिन जिसको जाना है उसको तो पता ही है उसका नंबर लगेगा, कि उसने पाप किया उसको मालूम है।